हाय फ्रेंड्स, मु प्रियरंजन मिश्र आपण समस्त मोर यूट्यूब चैनल प्रिय नॉलेज शेयरिंग को स्वागत करुच। आज देखा आम एच टी लाइन रे जो सब पक्षी मैंने एच टी लाइन तार उपर बस था कि कौन सी इलेक्ट्रिकल शॉक मारे ना कि मरते ना, तार कारण कौन? एच टी लाइन कहले हाई टेंशन लाइन, यार मुझे सेपरेट वीडियो ऑलरेडी आगुरी अपलोड कर सारी। यदि आपण मैंने चाहते एस टी लाइन कौन डिटेल्स जानापी तेल आई बटन को जाई से पुराणा वीडियो को देखु भलसे बुझीपर एस टी लाइन कौन। चलतु लेट नक आज वीडियो स्टार्ट करवा। देखते ये गोटे मुझे डायग्राम करद्वारा कि आप भल भाव बुझा पड़ो जो कहीं पक्षी मानक करेन्ट मारे। देखते ये गोटे केस वन मैंने गोटे उदाहरण नहीं है, गोटे इलेक्ट्रिकल सर्किट। देखो आमर रेड जो रेड एरोमार्क दिखाई से आमर फेज करेन्ट जाए, एवं जो आम ब्लू मार्क दी जो ब्लाक कलर एरोमार्क दिखाई से आमर न्यूट्रल करेन्ट रिटर्न करे। तो ये जो बल्ब लगी देखो आमर बल्ब को गला फेज करेन्ट, बल्ब रु पुणी रिटर्न करेन्ट न्यूट्रल मध्यम आसीगला। जो प्लस और माइनस आज प्लस है फेज फेज करेन्ट, माइनस है न्यूट्रल करेन्ट। तो देखो जेहेतु बल्ब मध्यम देकर फेज करेन्ट जा बल्ब्रु आमर बल्ब्रु न्यूट्रल करेन्ट रिटर्न करुद्वारा कि सर्किट कम्प्लीट हो तेणुक बल्बटी जलुच्छे। नेक्स्ट केस रे देखा केस टू ए देखु बल्ब को फेज करेन्ट तो जाऊँच बट तापर न्यूट्रल करेन्ट आसुना मैंने रिटर्न करेन्ट आसुनि तेणुक ये बल्बा जलुनि बल्बी अफ रही। केस थ्री देखु जदि सेम आम गोटे लोक ढड़ा करदे से जगार बल्ब जगार जो ता देह को आमर फेज करेन्ट जीवन ता देह मध्यम दे कि पुणी न्यूट्रल आम करेन्ट आसीज रिटर्न ताकू इलेक्ट्रिक शॉक लगे। जदि हाई वोल्टेज थी लोकटे भी मरी जाए पारे। केस फोर रे देखु आम से लोकटी ढड़ाई कि फेज करेन्ट तो जाऊँच न्यूट्रल करेन्ट मैंने जो फेज करेन्ट जो जाऊँच करेन्ट रिटर्न करनी न्यूट्रल लाइन रे न्यूट्रल लाइन देखो कनेक्शन ना। तो यही क्षेत्र में से लोक को कौन सी इलेक्ट्रिक करेन्ट शॉक लगे ना कहीं ये आम सर्किट कम्प्लीट ना। ये देखु आमर केस फाइव ये आम फेज करेन्ट जा लोकटी देह को फेज करेन्ट जा किंतु से लोकर कनेक्शन यार सहित हो ग्राउंड वायर सहित हो जाए। तो ग्राउंड वायर सहित हेले भी आमर करेन्ट जो गला फेज करेन्ट ता देह को से करेन्ट को रिटर्न पाथ मिलगला। तो रिटर्न पाथ कौन है ना से ग्राउंड को से करेन्ट टी पास कर जहाद्वारा से लोक को इलेक्ट्रिक शॉक लगे और जब हाई वोल्टेज जितना से लोकटी मरीज। तो सबुठ बड़ जदि आम कह नेगेटिव सी है ग्राउंड मानने यार्थ जिते करेन्ट दे यार्थ ताको ग्रहण कर दिए। तो ग्राउंड को टच जदि करवा सी गोटे नेगेटिव आम न्यूट्रल भाई काम कर जहाद्वारा कि करेन्ट को पाथ मिल जाव रिटर्न करेन्ट को। तो सी आम देह देकर पुणी यार्थ को चली जाद्वारा कि सर्किट कम्प्लीट हो सर्किट कम्प्लीट हो गलापर आपको करेन्ट जो लोकटी टचरे थी ताको इलेक्ट्रिक शॉक लगे हाई वोल्टेज थी जदि से लोकटी मरीज डेथ हो। तो एक्चुअली फेज कौन फेज रेमर करेन्ट जाए एवं न्यूट्रल जो ब्लाक वायर थाए से आमर करेन्ट रिटर्न कै जी करेन्ट जाए से करेन्ट रिटर्न करवा जरूरी। जदि आम रिटर्न न कला करंट खाली गला बट रिटर्न गलानी तेटा सर्किटा इनकम्प्लीट। तो से क्षेत्र में करेन्ट मारे। ये देखु आमर जो पक्षी गुड़ा बस चीनटा आमर वायर अच्छी एच टी लाइन। एच टी लाइन एक्चुअली न्यूट्रल तार न था केवल फेज तार थाए आर वाई बी रेड येलो ब्लूटा फेज थाए जोटा कि केवल करेन्ट ही से जाए फेज करेन्ट न्यूट्रल करेन्ट से न थाए जेहेतु से गुड़ा एच टी लाइन गुड़ाक हाई वोल्टेज लाइन गुड़ाक। तो से नए जमीक 11,000 वोल्ट आमर 33,000 वोल्ट एम हाई वोल्टेज जाए करेन्ट। तो से न्यूट्रल दि न था। तो पक्षीटी जो बसी पक्षी मैंने जो बस तार गोटे फेज वायर बस जेकोसी गोटे फेज्रे बस तीनटा पक्षी आमर आर फेज्रे बस आनटा पक्षी आम वाई फेज्रे बस तो केवल फेज्रे बस तो देह को केवल फेज करेन्ट जा किंतु करेन्ट आउ रिटर्न करने न्यूट्रल पाथ मिलूनी। न्यूट्रल जदि न्यूट्रल वायर मिल जाव
बा ग्राउंड वायर मिल जिवो ताले से पक्षी इलेक्ट्रिक शॉक लागिवो पक्षी मरी जिवो तो सेथि में एठी सर्किट इनकम्प्लीट रहउची कंप्लीट होनी इलेक्ट्रिकल सर्किट तेणु करी ताको करंट मारु नै पक्षी मानु से माने आराम से बसचंदी तो आमर केतेबेला करंट मारे ना जेतेबेले आमर फेज फेज करंट गला एवं ताको जदि यार्थ मिल गला यार्थ मिलले कोन पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जिवो मतलब वोल्टेज डिफरेंस आसी जिवो वोल्टेज डिफरेंट डिफरेंस हो गले तुमको जी इलेक्ट्रिकल ईयर वायर लगे थो करंट मार देखु ये जो आम आर वाई बी फेज तीन टी जाक फेज करंट जा सपोज यदि जी 11,000 वोल्ट जाऊ थे तीन टी जगह 11,000 वोल्ट ही जी तो सामान 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 थी तीन टी जगह तार भितर जो पोटेनसीआल डिफरेन्स रो वोल्टेज डिफरेन्स रहा जीरो र एटी 11,000 वोल्ट सेठी 11,000 वोल्ट जीरो होगा तो ये गोटा को टच कले के करंट मार ना इलेक्ट्रिकल शॉक मार कहीं तरह पोटेंशियल डिफरेंस जीरो से इलेक्ट्रिकल सर्किट कंप्लीट होना जेहेतु से केवल फेज को कनेक्ट अच्छे तो आपत बुझीपारे आम पक्षी मान जो बस कहीं करंट मारूनी आजपाई ये नेक्स्ट वीडियो देखा किसी नुआ टॉपिक को नहीं धन्यवाद।